न्यूज धमाका लाइव, यहां सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। उत्तर प्रदेश संघ का चुनाव कल, तैयारी पूरी। अध्यक्ष सचिव समेत 11 पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें 180 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करेंगे। चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और चुनाव से संबंधित जानकारी दी गई। चुनाव सांची स्थित MNPS स्कूल में कल सुबह प्रारंभ होगा और देर रात परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। शनिवार की संध्या विजय सिंह राणा गुट ने कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। अखिलेश दुबे ने आरोप लगाया था कि जमीन खरीद में कमेटी ने जो पैसा गबन किया था, उस पर संघ के अध्यक्ष विजय सिंह राणा ने कहा कि वर्तमान समय में जो भी कार्य होता है वह चेक के द्वारा किया जाता है, संघ में नकदी का कोई कारोबार नहीं किया जाता। तो ऐसे में यह आरोप लगाना कि जमीन की खरीद बिक्री में पैसों का गबन किया गया, पूरी तरह से बेबुनियाद है। साथ ही साथ उन्होंने जमीन के मालिक को चेक के माध्यम से जो पेमेंट किया था उसकी भी प्रतिलिपि सबके सामने रखी। वहीं सदस्यता अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश संघ के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर DP शुक्ला ने बताया कि कुल मिलाकर 481 सदस्य थे, लेकिन कुछ सदस्य जमशेदपुर छोड़कर जा चुके हैं तो कुछ सदस्यों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के ही लोगों को सदस्य बनाने के लिए एक लिस्ट तैयार की गई थी और उन्हें भी वोटिंग देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन उसका भी विरोध अखिलेश दुबे ने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया। उन्होंने बताया कि संघ अब तक 5 स्कूल खड़े कर देता, लेकिन अखिलेश दुबे के नकारात्मक सोच की वजह से संघ को कार्य करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना हर वक्त करना पड़ता है। बताइए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस आए हुए सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, ये कल जो उत्तर प्रदेश संघ का जो चुनाव होने जा रहा है उसके संदर्भ में है, और ख़ासतौर से क्योंकि कल जो दूसरे ग्रुप वालों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कुछ पॉइंट्स रेस किए थे, उसी कोई वेरिफिकेशन के लिए ये बुलाया गया। पहला ये प्रेस के माध्यम से पता चला कि एक आरोप था कि इसमें जो है जो डीलिंग हुई है, जो जमीन लेने में इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है क्योंकि ये हम लोगों ने चूँकि डायरेक्ट ओनर ऑफ द लैंड से हम लोग बंद कर रहे थे, क्योंकि वो जिनके द्वारा हम लोग ले रहे थे 55 लाख रुपये पर एकड़ ज़्यादा मांग रहे थे, और हमें करीब 5 एकड़ ज़मीन लेनी थी, इस वजह से करीब 2.5 करोड़ ज़मीन जो है 2.5 करोड़ रुपया जो है संस्था का बर्बाद हो जाता, उसे बचाने के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट उसके ओनर से फोन किए और यहीं से भी प्रॉब्लम स्टार्ट की। और रजिस्ट्रेशन से लेके म्यूटेशन से लेके हर स्टेज में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और लेकिन धीरे धीरे हर सारी प्रॉब्लम को पार करते हुए रजिस्ट्रेशन भी हो गया और म्यूटेशन भी हो गया। नहीं नहीं इसके बाद में जो है इस मुद्दे को विधानसभा में भी एक ऐसे विधायक के द्वारा उठाया गया, जो इस क्षेत्र के विधायक नहीं है लेकिन उनके द्वारा ये उठाया गया, तो विधानसभा में भी ये उनको जवाब दे दिया गया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद में जो है हम लोगों ने क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम न क्रिएट नहीं किया है, तो इसलिए दो बार जो है SDO साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने जो है आदेश भी दिया, ऑर्डर दिया और फोर्स और मजिस्ट्रेट भी कर दिया। अगर जरा भी इसमें जमीन में कुछ भी गड़बड़ होती तो सरकार के द्वारा ये हम लोगों को फोर्स और मजिस्ट्रेट भी पहले कितना बजट पहले 481 पहले 481 थे, और जैसे धीरे उसमें कौन से वोटर्स जो हैं हमारे शहर से बाहर चले गए, कुछ दिवंगत हो गए, तो इसलिए जो है कि वोटर की संख्या कम होती। तो एक आरोप लगा है कि जैसे वोटर उधर से जा रहे हैं उनके वार्ड्स को नहीं लिया जा रहा है, ये भी निराधार है, इसलिए क्योंकि इस वार्ड इस सेशन में जितने भी वोटर्स हमारे जो गुजरे थे करीब लगभग 26 के करीब, वो उनके जगह उनके वार्ड्स को बाकायदा क्योंकि प्रोसीजर से उनका फॉर्म भरा लिया गया है और उनको सारी कार्रवाई पूरी कर गई, हम लोग इसी इसमें उनको भी इंक्लूड करते, लेकिन चूंकि उनके द्वारा ऑब्जेक्शन हुआ कि नहीं ये वोटर्स नए वोटर्स बनेंगे तो वो हम लोगों की तरफ उनका झुकाव होगा, तो हम लोगों का कोई बात नहीं, इसलिए उनको इस बार उनको मीटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
अभी वाले में 186 अभी क्या क्या वोट क्यों दिया क्यों दे आपको आपकी ठीक है। सबसे पहली बात है कि पिछले 30-35 साल में ये संस्था जहाँ वेलन लैंड की एक नामी ग्रामी स्कूल खड़ा हुआ है और ये स्कूल जो है खासकर से मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास सभी वर्गों को हेल्प करते हैं और खासकर से गरीब बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क भी हम लोग हेल्प करते हैं जो बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं उनको हम लोग स्पॉन्सर कराते हैं। 23 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करते हैं। तो पैसा कमाना ये ध्येय नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिले और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोगों में लोगों के पास में वहाँ पर ताकि वहाँ के आदिवासी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उनको इंग्लिश क्वालिटी एजुकेशन उनको प्राप्त हो वहाँ के बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार मिले इसी में से हम लोगों ने वहाँ खोला और साथ में जो एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोलेंगे क्योंकि सिर्फ अगर हम उनको डिग्री दे दें पास आउट कर लें लेकिन और उसके बाद में वो रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते तो बेकार है। आज के ज़माने में समाचार स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है इसको ध्यान रखते हुए उनको इस में हम लोग स्किल डेवलपमेंट की परिचय दे दीजिएगा सर जी परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम विजय सिंह राणा है मैं अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश संघ का। मैं MD ऑफिस टाटा स्टील से मैं जा रहा हूँ और एक चीज में मुझे बोलने में भी गर्व होता है कि उस ऑफिस में सबसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑफिसर था वहाँ पर मैं और जहाँ की आपकी हर एक्टिविटी को बहुत ही बारीकी से दिखाया जाता है और बीच में मैं वक्स भी गया था लेकिन फिर मुझे पूरा हिंदी ऑफिस बुलाया गया मैं फिर भी 4-4 हिंदी ऑफिस के साथ में बात कर सकता हूँ। आज तक एक भी आरोप नहीं लगा और इसी वजह से मैं सभी लोगों में बहुत ही हृदय क्या।